हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जे ऑपरेटर। जे ऑपरेटर, जे ऑपरेटर क्या होता है? इसको हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नोटेशन क्या मतलब होता है? देखिए, जे ऑपरेटर का मतलब, जे को हम अगर 12th क्लास में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स या इवन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जो आयोटा है वहां पे ये जे वही चीज है। तो इसमें क्या मतलब होता है जे ऑपरेटर का, कि सपोज कोई फेजर है, मैंने यहाँ पे फेजर ले लिया, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, और इस पर मैंने कोई फेजर ले लिया पी। तो अगर मैंने पी फेजर को अगर मैंने जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि फेजर जो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई फेजर पी है उसको मैंने अगर जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो फेजर है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। तो अगर रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस कहलाती है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या चीज है, एक्स एक्सिस पे जे नहीं आएगा, अभी अपन देख लेते हैं डिटेल में, और वाई एक्सिस पे जे ऑपरेटर आता है। ठीक है ना, जो हम लिखते थे वहां पे जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दिस आयोटा इज नथिंग बट जे ऑपरेटर। तो इफ यू रिप्रेजेंट सपोज पी फेजर ऑन एक्स एक्सिस एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस पी बाय जे, तो अगर इसको हमने जे से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा और ये बन जाएगा जे इंटू पी। तो 90 डिग्री जो है ये फेजर आपका एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में घूम गया। यहां से मैंने अगर इसको और 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फेजर यहां पर आके और ये बन जाएगा जे स्क्वायर पी, और अगर अपन ने 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फेजर बनके यहां पर आ जाएगा जेड क्यूब पी। तो देखिए, जे स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो जे स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर जो होता है माइनस वन होता है, इसीलिए जे की वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ माइनस वन, दैट इज इमेजिनरी नंबर हम इसको बोलते हैं। तो यहां पर यह पी है, यहां पे जे स्क्वायर पी, जे स्क्वायर पी यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी के बराबर। तो एक्स एक्सिस पे देखिए, या तो फेजर जो का जो मैग्नीट्यूड है या तो पी है या माइनस पी है, इसीलिए इस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस की बात करें, देखिए तो यहां पर क्या आ रहा है, जे इंटू पी, यानी जे का मतलब क्या होता है, माइनस वन, और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन यानी इमेजिनरी। तो इस तरफ भी ये इमेजिनरी है, और यहां पे देखिए ये जे क्यूब पी, तो जे क्यूब पी का मतलब क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर तो माइनस वन होता है, यानी दिस बिकम्स माइनस ऑफ जे पी। तो ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी जे पी है और नेगेटिव में क्या हो गया, माइनस जे पी, यानी हमेशा वाई एक्सिस पे क्या है, इमेजिनरी टर्म है। इसीलिए जो वाई एक्सिस जो है वो किस तरह की टर्म एक्सिस कहलाती है, इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है, क्योंकि यहां पर हमेशा क्या है, आइदर प्लस जे और माइनस जे इज ऑलवेज देयर ऑन वाई एक्सिस। दैट इज द रीजन दिस पर्टिकुलर एक्सिस, वाई एक्सिस इज टर्म्ड एज इमेजिनरी एक्सिस। तो हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस कहलाती है और वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूं, क्या किया हमने, एक फेजर लिया था पी, उसको जे से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो ये जेपी हो गया। अगर ये जेपी है यानी दिस इज इमेजिनरी टर्म, और 90 डिग्री से मल्टीप्लाई किया जे स्क्वायर पी, दिस बिकम्स माइनस पी। यहां पे ये पी और यहां पे ये माइनस पी, यानी कोई जे वाली टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज रियल एक्सिस। और अपन ने इसको 90 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो ये और इधर आ गया, दिस बिकम्स माइनस ऑफ जेपी। क्यों? बिकॉज जे क्यूब पी जो है, जे क्यूब पी में जे स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस ऑफ जेपी। तो यहां पे प्लस जेपी या माइनस जेपी, यानी इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और ये वापस से यहां पे क्या बन जाएगा, पी। तो दिस एक्सिस इज, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज रियल एक्सिस, वेयर एज वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज इमेजिनरी एक्सिस। एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जे, दैट इज जे इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन। किसी फेजर को रियल और इमेजिनरी एक्सिस पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कि कोई फेजर है पी, जिसमें कि मैंने ये बोला कि रियल एक्सिस पे यहां पे ये दिस इज ए और दिस इज बी, तो मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट हमने लिया फेजर इज इन, फेजर पी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, ए प्लस जे बी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये एंगल मैं फाई बोलता हूं, कि एक्स एक्सिस से ये बना हुआ एंगल फाई है,
तो जो एंगल आएगा phi इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए, टेन इनवर्स ऑफ दिस इज बी एंड दिस इज ए, तो phi विल बी टेन इनवर्स बी बाई ए. सिमिलरली सेकेंड केस अगर मैं लेता हूं, इफ फेजर पी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इफ फेजर पी इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा देखिए, P क्या बनेगा, P विल बी इक्वल टू माइनस ए प्लस जे बी. कैसे बनेगा ये, अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस है तो ये P यहां पर ऐसे आएगा, दिस विल बी P, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए, और यहां पे ये जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू B. तो P को हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस जे बी. तो यहां पे मैग्नीट्यूड जो है, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ P विल बी इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एंगल बनेगा फाई वो क्या बन जाएगा देखिए, फाई माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए. जो पहले टेन इनवर्स बी बाई ए था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, वो पाई माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए. ऐसे ही अगर मैं फेजर को थर्ड क्वाड्रेंट में लेता हूं, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में डायग्राम किस तरह से बनेगा, दिस विल बी फेजर पी, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में फेजर पी आएगा माइनस ए माइनस ऑफ जे बी, माइनस ए माइनस ऑफ जे बी. तो ये आपका a बनेगा, दिस विल बी माइनस ए एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी. तो मैग्नीट्यूड जो बनेगा p का यहां पर, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी अगेन सेम, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एंगल बनेगा फाई वो वहां पे जो पाई माइनस टेन इनवर्स था, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, पाई प्लस, तो पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए जो है वो हमारा एंगल बन जाएगा व्हेन द p इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, व्हेन द फेजर इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इसी फेजर की बात करेंगे, तो देखिए क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहां पर आएगा फेजर, दिस विल बी द फेजर पी, और वो क्या बनेगा, ए माइनस जे बी, तो दिस इज माइनस बी, तो पी जो बनेगा अपना दैट विल बी ए माइनस जे बी. तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा पी का, अगेन दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एंगल बनेगा फाइ दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स बी बाई ए. सो इन दिस मैनर वी हैव डिस्कस दैट द हाउ द magnitude remains same in all the four quadrant, and always it is under root of a square plus b square. Here it is also a square plus b square under root. In third quadrant it is also a square plus b square under root. In fourth quadrant it is also a square plus b square under root. Means the magnitude of phasor does not change, but the angle phi in first quadrant it is tan inverse b by a, second quadrant it is pi minus tan inverse b by a, in third quadrant we have seen that angle is, because it is in third quadrant, so it is pi plus tan inverse b by a, and in fourth quadrant the angle is minus of tan inverse b by a. तो जैसे जैसे आपका फेजर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, तो क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है इसलिए एंगल की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती हुई हमें दिखाई दे रही है. जब हम न्यूमेरिकल इसमें और करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी कि फेजर को हम पोलर टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू पोलर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि कैसे फेजर मूव हो रहा है और उसकी वजह से क्या एंगुलर चेंज आ रहा है.